सेकंड फ्लोर आ गए। मुझे राइट करनी है। हाँ ठीक है चलो। अकेले इनको राइड मिली है करने के लिए। करते रहो। हाँ बहुत सारे हैं। आज छुट्टी का दिन है तो बहुत बच्चे हैं नहीं, आज ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। कहीं आए हैं घूमने के लिए तो करवा दो। बड़ी वाली जो राइड है ऊपर, ये ख़राब पड़ी है काफ़ी टाइम, पूरे 3 महीने से ख़राब है। इसका सेंटर में कुछ मोटर में प्रॉब्लम आ गई है। आया तुमको क्या देखना है तुमको? और देख लो इतनी सारी गाड़ी है। ये वाली पसंद आई है मेटल में, डाइकास्ट। ये तो प्लास्टिक है तो वो निकाल रहे हैं अंदर से। ये देखो ये है, ले लो ले लो। बस वो नहीं रख दो, वो नहीं। चूज वन, चूज वन। ओके वो दे दो, वाइट वाली। डेडपूल का ये वाला है। हाँ गाड़ी नहीं, वो रखो, वो देख लो पहले, गाड़ी देख लो, एक एक चीज़ करके देख लो। मम्मा मुझे ये भी चाहिए, इसलिए मैं बस था। मम्मा ये बस मेरे को दिया था ना ये। डाइकास्ट ही है ना, मेटल ही है ना, देखो। हाँ डिक्की भी खुलती होगी नीचे से, नीचे से। बस बस बस। अब इतनी रात को मैं बना रहा हूँ कॉफ़ी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बिना कॉफ़ी के मैं काम नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ भी काम करना है रात को तो थोड़ी कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कॉफ़ी के 2 पाउचेस मैं लेके आया हूँ। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैंने हमेशा वो जार वाली जो कॉफ़ी आती है ना, नेस्कैफे की, वो यूज़ की है। अभी मैंने इसमें पढ़ा, इसमें लिखा है कि इसमें बराबर से आ नहीं रहा है। हाँ 150 ml है, मैं ये पूरा पाउच जलेगा। एक कप जो होता है वो तकरीबन 300 ml के आसपास होता है मेरा। तो ये दोनों डालने पड़ेंगे। गर्म हो गया भाई अच्छा खासा। पहला स्ट्रॉन्ग बनेगी लगता है, बहुत फ्लेवर तगड़ा आया है। एंड सेकंड वन, ये नेस्कैफे से स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, एक नंबर। उसमें क्रीमर व्रीमर बाकी सब शायद ऑलरेडी पहले से ही है, कुछ यूज करने की ज़रूरत नहीं है। वो लग तो रहा है कि अच्छी बनी है। तो आजकल मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, मैं अनबॉक्सिंग कभी नहीं करता हूँ। तो मैं सोचा कि क्यों ना प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड कर लिए जाए अपने ब्लॉग्स में, जो मैं पहले करता था लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया। लेकिन हाँ, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं भेजे हैं, मुझे किसी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया है गिफ्ट। ये सारे के सारे मैंने अपने पैसे खरीदे हैं। और जिस किसी ने भी मेरे गेमिंग चैनल पर मुझे फॉलो नहीं किया है, तो ये मेरा गेमिंग चैनल है, इसका लिंक मैं उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर मुझे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, गेम प्ले देख सकते हो। ये डेथ स्ट्रैंडिंग है जो मैं खेल रहा हूँ, 2019 की गेम है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। तो इसकी मैक्सिमम क्वालिटी शायद 1440p तक है, तो अगर आप फ़ोन में देख रहे हो तो आप 1440p में देख सकते हो, या फिर आप 1080p में भी देख सकते हो। पहला प्रोडक्ट है ये जो मैंने NV करके कंपनी का चार्जर है, जो मैंने अमेजोन से मंगाया था। इसमें 4AA या 4AAA की बैटरीज जो है वो चार्ज हो जाती हैं, मगर मैं इसे वापस कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि एक तो ये हीटअप बहुत होता है, मतलब 1-2 घंटा ऑन करके रखेंगे ना तो ये हीटअप हो जाता है, इतना हीटअप कैसा लगता है पिघल जाएगा या फट जाएगा। दूसरा ये कि इसमें लाइट्स जलती हैं आगे रेड रंग की, लेकिन इसमें पता नहीं चलता है कि बैटरीज चार्ज हो गई कि नहीं, मतलब 20-20 घंटे के बाद भी इसमें लाइट्स ऐसी कैसी रहती है, मैं वापस कर रहा हूँ। और दूसरा अपना प्रोडक्ट है ये एप्सन का प्रिंटर है जो मैंने लिया है अमेजोन से, ये भी अभी आया है। इससे पहले भी प्रिंटर आया था जो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, जो मेरे पैक में रखा हुआ है जब मैं मॉनिटर अनबॉक्स कर रहा हूँ। लेकिन वो मॉडल सेम था, लेकिन उसमें ये खुला हुआ था, जो कंपनी का सील है ना, जो टेप है ये खुला हुआ था। पता कैसे चलता है कि मतलब किसी ने निकाला है और वापस लगाया, तो यहाँ से थोड़ा सा गत्ता दिख रहा था एक कॉर्नर से, मुझे वापस करना पड़ा। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से किया तो सही, लेकिन एक्सचेंज करके दिया ये दूसरा वाला मॉडल। ये है वो प्रिंटर, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं।
तो प्रिंटर की मुझे कुछ खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन रियो के स्कूल का और ट्यूशन का काम इतना होता है कि उसमें प्रिंटआउट्स बहुत निकालने पड़ते हैं, तो प्रिंटर लेना पड़ा। बार बार जाओ जेरोक्स की शॉप पे, जाके प्रिंटआउट्स निकालो, जेरोक्स कराओ, अभी ऑल इन वन प्रिंटर आ गया। तो यहाँ पे कुछ इसके स्केल वगैरह और डिटेल्स मेंशन की हुई हैं इसमें, ऊपर ये स्लिप है, तो ये पूरा ही फट गया। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, एक हाथ से खोलना ज़रा टफ है। सामने से अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे कंट्रोल्स के बटन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे इंक लेवल दिखता है और इसको ओपन करके आप इंक फिल कर सकते हो। ये ऊपर स्कैनर, कॉपियर और प्रिंटर तीनों है, ऊपर स्कैन और कॉपी कर सकते हो। और प्रिंटर के लिए यहाँ से पेज ज़्यादा वजह से निकले नॉर्मल। इसका मैंने एक एक कवर लिया है जो मैंने अलग से लिया है, इसके साथ नहीं आया है, तो डस्ट से बचाने के लिए। ये इसका पावर केबल, तो ओनली थिंग आई नीड इज़ द पावर केबल, बाकी ये सारा का सारा पूरा ऐप से चलता है वाईफाई के थ्रू। तो ये हैं इसकी चार इंक की बॉटल्स, ब्लैक, सियान, मेजेंटा एंड येलो। तो ब्लैक वाली बॉटल है, मैंने इसकी मार्केट में रेट पूछा, ये 400 रुपये की बॉटल है, और बाकी जो तीन है वो 475 ईच है। तो मेरा टोटल कुछ 1800-1900 रुपये की ये चार बॉटल पड़ती हैं अगर आप ओरिजिनल खरीदोगे तो, मार्केट में या ऑनलाइन। ऑनलाइन शायद थोड़ी महंगी हो या सस्ती हो पता नहीं, लेकिन वैसे इनकी कॉस्ट जो है 1800-900 के बीच में है आज की रेट में। तो चलिए इनको फिल करते हैं। प्रिंटर रखा है यहाँ पे, मैंने ऑन किया है, अभी ये कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि पहले ये इंक मांग रहा है, पहले इसमें इंक भरनी पड़ेगी। के लिए सेक्शन है, ये ऐसे खुलता है और अंदर कलर कोडिंग दी हुई है। तो ये चार बॉटल्स हैं, इनको भरते हैं। फर्स्ट ब्लैक वन, तो एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग सील के साथ इसके अंदर बॉटल आती है। ऐसे फाड़ने का वैसे दिया हुआ है, क्यों मैं कैंची लेकर आया, यहाँ पे फाड़ने का निशान दिया हुआ है। खोलेंगे, बॉटल निकालेंगे, जस्ट ओपन दिस। तो इसको ऐसे लगा के, तो लास्ट वाली बॉटल आपको दिखाऊंगा कैसे जाती है, पहले इनको मैं तीनों को भर लेता हूँ। तो ये फर्स्ट बॉटल भर रही है, धीरे धीरे खाली होती जा रही है, और शायद खाली हो गई क्योंकि साउंड आनी बंद हो गई है। तो ये वाली बॉटल पूरी खाली हो गई है, इसको वापस लगाएंगे कैप। सेकंड नंबर है येलो का, नाउ इज द टर्न फॉर मजेंटा। टर्न फोर्थ वन का जो लास्ट है सियान, इसको भी खोलेंगे। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, पहला पेज प्रिंट कर रहा हूं मैं, एक डॉक्यूमेंट है मेरा, देखते हैं कैसा प्रिंट होता है। और ये कलर प्रिंट आउट है, प्रिंटर सेटअप हो गया है पीसी से भी और फोन से भी, फोन की ऐप से भी प्रिंट कर सकते हैं और वाईफाई के थ्रू पीसी से भी प्रिंट कर सकते हैं, दोनों वाईफाई से चलता है पूरा का पूरा। पढ़ने आए हैं हम आज मम्मी को, यूएस जा रही हैं ये 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के बाद आएंगी। चलो
तुम इनको छोड़ के आ जाओ वहाँ तक। इतनी रात को हम लोग आए हैं फिगेरोस पिज्जा की आउटलेट पे, मम्मी को वहाँ पे छोड़ के एयरपोर्ट पे। सारी आउटलेट्स क्लोज हो गई हैं। पहले मैकडॉनल्ड्स गए अंधेरी के स्टेशन पे, वो बंद निकली। फिर अपने वीरा देसाई पे ही ये फिगेरोस पिज्जा का लास्ट ऑर्डर हमारा जा रहा है। पूरा बंद हो गया काउंटर। बोले जल्दी जल्दी ऑर्डर दीजिए, टेक अवे है, बैठ के नहीं खा सकते। देखा बन गया पिज्जा? नहीं बना? फिर क्या बोल रहे हैं वो? 10 घंटे लगेंगे। कैट का क्या किया तूने पहले बताओ? भगा दिया उसे? छोटू कैट थी ना, लेकिन वो तो ये देखो मेरा पैर को देखो, पैर को देखो। ये किया? किक मारी। लेकिन क्यों किक मारी? अच्छी छोटू कैट थी। हाँ, रात का कुछ 1 बज रहा है, सब गलियां वलियां ऑलमोस्ट सुनसान हो गई हैं। बाकी वेट कर रहे हैं ऑर्डर का अपनी रात को। भूख लगी है? चलो आ रहा थोड़ी देर में। पिज्ज़ा का वेट करते हुए इतनी रात को ऐसे करके अपना कुछ बिल आया है। इतनी रात को भी एकदम चिल्ड एसी ऑन किया हुआ है, तो माँ बेटे तो ये बाहर जाके खड़े हो गए हैं। किनको लग रही है ठंड और मैं बैठा हूँ वेटिंग। फाइनली पिज़्ज़ा आ गया। चलिए अब घर चलते हैं। टाइम हो रहा है रात के 2:20। अब जाके बैठ के खाएंगे हम। आ जाओ उधर।